कमलेश किचन को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पर ये करौंदे का पेड़ मेरे घर में ही है, आप देख सकते हैं, और मैं इसका बनाऊंगी आज अचार। कमलेश किचन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ झट से बन जाने वाली इंस्टेंट मिर्च और करौंदे का अचार। इसे मिर्च करौंदे का अचार भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको छुके हुए करौंदे मिर्च भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिर्च ले लिया था, तो इस टाइम मेरे पर ताज़ी तो थी नहीं, लेकिन मेरे पर जो रखी हुई थी वही मैं लाई थी वीडियो के लिए, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, 5-7 दिन हो गए हैं, तो ये ऐसी तरह से हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर हमें मिर्च इसी तरह की लेनी है, हमने बारीक वाली मिर्च नहीं लेनी, क्योंकि बारीक वाली जो मिर्च होती है वो बहुत ही अधिक कड़वी होती है, ये मिर्च कम कड़वी होती हैं, तो हमने यही मिर्च लेनी है जो ज़्यादा चटपटी नहीं होती हों वही। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं करौंदे, ये मेरे ही पेड़ के करौंदे हैं, ये देखिए। और मैं इन्हें बता दूँ कैसे काटते हैं, तो हम ये करौंदे को अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है, और इस तरह से इसे बीच में से काट के, और जो इसके बीज होते हैं ना, ये देखिए, ये इसमें बीज होते हैं, तो हमने ये बीज निकाल लेने हैं, क्योंकि अगर ये बीज अगर हमारे इसमें मिर्चों में पड़ गए हैं ना, तो फिर मतलब हमारी ये सब्ज़ी हल्की सी कड़वी हो सकती है, लेकिन ना टेस्ट इसका बदल जाता है, टेस्ट अच्छा नहीं होता। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक कटोरी करौंदे लिए थे और वो काट लिए हैं, और यहाँ पर मैंने मिर्ची ली थी, तो मिर्ची भी मैं आपको बता दूँ कैसे काटनी है। यहाँ पर मैंने मिर्च इस तरह से बीच में चीरा लगाएंगे और बीच में से ऐसे चार फाड़ कर लेंगे, तो हमें मिर्च भी इस तरह की चाहिए। तो यहाँ मैंने काट के रखी हुई है, ये करौंदों का रंग थोड़ा सा चेंज हो गया, क्योंकि मैंने आधे एक घंटे पहले काट लिया था ये करौंदे। अगर काट के रख देते तो इसका ऊपर से आप देख रहे हैं ना, इस तरह से हो जाते हैं, लाल लाल पड़ जाते हैं, तो आप पहले ना काट के रखें। मुझे कुछ काम आ गया था तो मैं काटने लगी थी बीच में। तो यहाँ पर मैंने मिर्च और करौंदे काट लिए हैं, तो इसमें हम प्याज डाल के बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज ऐसे लंबी लंबी स्लाइस में काट लिए हैं। अगर आप प्याज नहीं खाते तो इग्नोर कर दें, प्याज ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी किसी किसी को प्याज बहुत पसंद आती है, तो इसलिए मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा, इससे प्याज अच्छी लगती थोड़ी सी। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच अजवाइन, 1/2 टीस्पून राई ली है दरदरी पिसी हुई, और यहाँ पर मैंने नमक लिया है, काला नमक 1/2 टीस्पून, वाइट नमक 1/2 टीस्पून, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कम या ज़्यादा। और ये झट से बन जाता है, तो चलिए, इसे काटने में जरूर टाइम लगता है करौंदों को, लेकिन इसकी सब्जी बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, तो हम आगे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन गर्म करने के लिए रख दिया है, और इसमें 2 से 3 चम्मच मैंने तेल डाला है, उसको चारों तरफ बखेर लिया, और इसमें अब हम डाल देंगे ये हमारी अजवाइन और राई, और इसे हम अच्छे से चटकने देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे ये जो हमारी प्याज है, ये अब डाल देंगे हम इसमें मिर्ची और ये करौंदे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से मैंने इसमें अजवाइन जो डाली था अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब इसमें हम डाल देंगे ये नमक, आप नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम या ज़्यादा, थोड़ा सा इसमें आप हल्दी भी डाल सकते हैं कलर के लिए, बट इसमें हल्दी की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आप चाहें तो हल्का ये वाइटपन है तो इसमें हल्दी डालने से अच्छा सा कलर आ जाता है, तो इसलिए डाल देते हैं हम इसे। बस हमें यही सामान पड़ेगा, और हमारी ये मिर्च इंस्टेंट मिर्च का अचार बहुत ही अच्छा तैयार होगा। अगर आप प्याज नहीं डालेंगे तो ये ज़्यादा दिन चलता है, अगर हम प्याज डाल देते हैं तो ये हमारा 8-10 दिन चलेगा, फ्रिज में रख देंगे 8-10 दिन के लिए, और हमारा ये अचार 8-10 दिन तक के लिए चल जाएगा। और ये देखिए, अच्छे से मैं मिला दूँगी इसको, तो देखिए यहाँ पर मैं इसको ढक दूँगी, ये मसाला अच्छे से मिला दिया है मैंने, और इसको मैं ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी। 2 से 3 मिनट में ये हमारा बहुत अच्छे से पक जाता है, और इसको हमने मीडियम से लो मीडियम पर ही पकाना है, नहीं तो ये जल जाएगा, और बीच में आप इसको पलट पलट के हिलाते रहें जिससे मिर्च नीचे ना लगे। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, और हमारे ये करौंदे मिर्च का जो अचार है ये भी एकदम से तैयार हो चुका है, तो हमें ज़्यादा देर तक इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट में ही हमारे करौंदे तैयार हो जाते हैं। और मैं गैस कर दूंगी बंद, और इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। तो लीजिए, यहाँ पर मिर्च करौंदे का अचार तैयार है, मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फैंटास्टिक अचार बना है, और इसको आप
बनाकर, एक बार बनाकर आप हफ्ते भर तक इसको खा सकते हैं। और ये पूड़ी परांठों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप चावल के साथ भी खाएंगे तो भी ये अचार के तौर पर चावल में भी बहुत अच्छा लगेगा। और आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये झट से बन जाने वाली, मिनटों में बन जाने वाली सब्ज़ी है। अगर कोई मेहमान आता है तो ज़रूर इसको बना के रखें, उसे बहुत अच्छा लगेगा। तो कैसे लगी आपको मेरी अगर रेसिपी पसंद आती है, अगर आप इसको पसंद करते हैं बनाना और इसको खाना पसंद करते हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।